स्टूडेंट्स, हिंद मॉडल स्कूल कादमा के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं सिक्स क्लास का मैथ में चैप्टर थ्री है, उसकी एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने देखा था कि कैसे टू से डिवाइड होते हैं, कैसे थ्री से, कैसे फोर से, उनकी हमने एक डेफिनेशन के साथ पढ़ा था। आज हमें क्वेश्चन करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5, बाई 6, बाई 8, बाई 9, बाई 10, बाई 11। जब भी आप वीडियो देखो तो अपनी जो मैथ की बुक है वो एक बार ओपन कर लिया करो, क्योंकि मैथ की बुक में आप अच्छे से इनको देख पाओगे और फिर बोर्ड पे समझ पाओगे। और वीडियो की क्वालिटी आपको क्या रखनी है, कल भी बताया था 480 रखनी है। वीडियो की क्वालिटी क्या रखनी है आपकी, 480 रखनी है। देखो अभी क्वेश्चन हमने कल अच्छे से देख लिया था कि दो से जो डिविजिबल उसकी पहचान क्या होती है, उसके बीच में उसके जो यूनिट प्लेस पे है क्या आना चाहिए, तो जीरो हो, टू हो, सिक्स हो, फोर हो, एट है। तो जीरो है तो ये क्या है, यस दो से डिविजिबल है। बस ये हमने पहली वीडियो पार्ट वन की जरूर देखना, ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब पार्ट वन की वीडियो देखो। थ्री का हमने क्या बताया था, इन सब का सम होना चाहिए जो थ्री का मल्टीपल हो। तो देखो 9 और 9 18 प्लस 0 18 ही रहेगा, 18 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 3 6 18। तो ये हो गया यस। अब फोर से हमने क्या बताया था कि लास्ट के दो डिजिट है वो फोर से डिविजिबल होने चाहिए। क्या होते हैं, 4 2 8 4 2 8, टू रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब ये फोर से नहीं होता। 5 से 5 की पहचान क्या थी हमारी, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 है लास्ट में, तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइजेबल। 6 की हमने पहचान क्या की थी, जो 2 और 3 से डिवाइजेबल है वो 6 से भी होगा, तो 2 और 3 से हमारे पास है तो ये 6 से भी होगा। अब 8 की क्या है, जो 3 डिजिट है 100 प्लस तक वो क्या है 8 से डिवाइजेबल होने चाहिए, आगे पीछे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो देखो 9 8 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, देखो 9 8 1 8 है, 90 को ऐसे करके देख लो भाई, 8 से डिवाइड किया हमने, 8 1 8 बच गया 1, 8 2 16, 30 है वो तो 8 से डिवाइजेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 9। अब 9 से 9 का फिर वही रूल है, मल्टीपल देख सब इनका तो डिजिट है सभी का, सम करेंगे हम 9 9 18 प्लस 0 18 हो गया, 18 तो 9 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये यस। 10 की पहचान थी लास्ट में 0 यूनिट प्लेस पे 0 आने चाहिए, तो 0 है यूनिट प्लेस पे। अब 11 की समझने वाली बात है, हमने बताया था ओड इवन फार्मूला से कर लेंगे हम, जो डिजिट है उनको हमें ओड इवन से कर लेंगे, जैसे 9 9 0 है पहला ओड, दूसरा इवन, तीसरा ओड, यूं चलना है, ये नहीं देखना है ये नंबर ओड है या इवन है, ये देखना है नंबर वाइज। तो इसको इसके साथ सम कर देंगे, अब इसकी आगे कोई होता तो उसके साथ सम कर देते, फिर उनका क्या करते बीच में डिफरेंस कर दे, वो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देखो 9 प्लस 0 माइनस में 9 9 प्लस 0 9 9 माइनस 9, डिफरेंस क्या गया 0, तो ये क्या है यस 11 से डिवाइजेबल है। अब देखेंगे सेकंड पार्ट, 6 है तो 2 से डिवाइजेबल है, बिल्कुल है, 3 से इनका सम देखेंगे, 5 और 1 6 6 और 8 6 5 और 1 6 6 और 8 14 14 और 6 20 20, तो नहीं है मल्टीपल नहीं है 3 का। 4 का देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, 4 2 8, लेकिन 6 में तो फिर रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ये भी नहीं है। अगला देखेंगे भाई, 5 से 5 से तो नहीं है, या तो 0 आना चाहिए 5 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे, 9 6 पे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि 3 पे नहीं जा रहा, 2 या 3 दोनों पे जाना चाहिए, तो इसलिए 6 वाले पर भी 9 हो जाएगा। 8 पे जो लास्ट 3 डिजिट है ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, देखो 58 है, 8 7 56, 2 बच गया,
तो 8 3 24, 2 रिमाइंडर बचे हैं, तो 8 से भी नहीं है। 9 से अब इनका मल्टीपल देख लो भाई, मल्टीपल देखे तो हमने 5 और 1 6, 6 और 8 8, 14 16 9 जा रहा है, 9। 10 से तो जाएगा नहीं, 0 नहीं है। अब 11 से फिर देखना है, 11 से देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको ओड इवन फार्मूले से कर लेंगे, 1 5 8 6 ओड इवन फार्मूला, 1 और 8 9, 6 और 5 11, -2 कुछ रह नहीं जा रहे, क्योंकि ओनली 2 से डिवाइजेबल है ये, और किसी से भी डिवाइजेबल नहीं है इनमें से। अगला देखेंगे हमें थर्ड, 2 से डिवाइजेबल नहीं है ये तो बिल्कुल भी, क्योंकि 0 2 4 6 8 ये आना चाहिए। 3 से डिवाइजेबल के लिए 7 और 2 9 9 और 5 14 नहीं है। 4 से 2 डिजिट लास्ट के नहीं जा रहे, नहीं है। 5 से है क्योंकि 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से ही नहीं है, वो 6 से कैसे होगा। 8 से तीनों डिजिट देखने पड़ेंगे हमें, 8 3 24 बच के 3 नहीं जा रहा, 8 से नहीं जा रहा। 9 से भी इनका सम है वो 9 का मल्टीपल नहीं है। 10 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 0 नहीं है। अब 11 से फिर देखना पड़ेगा हमें, 11 से करने के लिए वही फिर ओड इवन, 5 प्लस 2 7 माइनस 7 0, 11 से जाएगा, 11 से जाएगा। इस प्रकार के ये जो सभी ऑप्शन हैं ये करके देखना एक बार, आगे भी ऑप्शन है इनके करके देखना, ये तो मैं करवा देता हूँ। अब ये 6 है, ये 6 है तो 2 से बिल्कुल जाएगा। अब 3 से 6 6, 3 बार 6 है, 6 3 18 और 8 26, 3 से नहीं जाएगा। 4 से 2 डिजिट नहीं जा रहे, 4 से भी नहीं जा रहा। 5 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 0 आना चाहिए। 6 से 2 और 3 से जाना चाहिए था, 3 से नहीं जा रहा तो 6 से भी नो। 8 से लास्ट के 3 डिजिट देख लो, 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि 8 8 64 बच के 4 46 नहीं जा रहा। 9 से 9 फिर मल्टीपल देख लो इनके, इस 9 से नहीं जा रहा, मल्टीपल 26 बन गया है। 10 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 0 आना चाहिए। अभी 11 से फिर करके देखना हमें, 11 से करने के लिए 6 6 8 6, 8 और 6 14 माइनस 12 नहीं जा रहा। ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, ये ऑप्शन आपको खुद करना है। समझ में आया वैसा, आपको समझ में आया होगा ये, क्योंकि जब पहली वीडियो पार्ट 1 देख लोगे ना तो ये क्वेश्चन अपने आप करोगे। 2 से डिवाइजेबल के लिए सर था यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आना चाहिए। 3 के लिए ये कंडीशन है कि जो इनका सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 के लिए 1 और 10 के जो डिजिट है वो 4 से डिवाइजेबल होने चाहिए। 5 के लिए 0 या 5 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे। 6 के लिए कंडीशन है 2 और 3 से डिवाइजेबल होना चाहिए। 8 के लिए कंडीशन है 1 10 100, ये तीनों प्लेस 8 से डिवाइजेबल होने चाहिए। 9 के लिए कंडीशन वही है, जो इनका टोटल है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 के लिए कंडीशन है 0 आनी चाहिए यूनिट प्लेस पे। 11 के लिए ओड इवन फार्मूला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमें इसका देखेंगे, अगला है यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 4 और 8। ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ये बताना है 4 और 8 से डिवाइजेबल है या नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है 572, उस तरफ कर देता हूँ बोर्ड को, अच्छे समझ में आ जाएगा।
वीडियो देखनी है 480 मेगापिक्सल पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर वॉलेट से डिवाइजेबल होना चाहिए भाई। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर टू में, पहला है 572। फोर से डिवाइजेबल के लिए क्या कंडीशन है? दो प्लेस फोर से होना चाहिए। 18 4 72 हो रहा है फोर से, इसका मतलब फोर वाले में क्या जाएगा? यस आ जाएगा भाई। वैसे डिवाइड करके देख लो, थर्ड एट वाले में क्या कंडीशन है? तीनों एट से डिवाइड होनी चाहिए। इस तरह एट से डिवाइड करेंगे, 8 7 56, 8 1 8, क्या बच गया? फोर तो एट से डिवाइजेबल नहीं है, तो एट वाले में क्या आ जाएगा? नो। एट वाले में क्या आ जाएगा? नो। इस प्रकार ये आपको करके देखने हैं। सेकंड ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन ही खुद करिए। थर्ड का क्वेश्चन देखेंगे हम, यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट। अब की बार सिक्स से डिवाइजेबल करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री में सिक्स से डिवाइजेबल करना है, सिक्स से डिवाइजेबल करना है। पहला क्वेश्चन है 297 सिक्स से करना है। सिक्स से कंडीशन, सिक्स से करने के लिए क्या कंडीशन है? टू से और थ्री से डिवाइड होना चाहिए। टू से तो हमें पता है हो रहा है, टू से तो हमें पता हो रहा है क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस पे फोर आ रहा है। अब थ्री से और देख लेंगे, थ्री से क्या करना है? इनका सबका सम करना है, टू और नाइन, नाइन और टू कितना होते हैं? इलेवन, इलेवन और सेवन 18 और वन 19 और फोर 27 है। थ्री का मल्टीपल है, बिल्कुल थ्री से डिवाइड हो रहा है। और जब टू और थ्री से डिवाइड हो रहा है वो क्या है? सिक्स से भी डिवाइजेबल है। वो क्या है? सिक्स से भी डिवाइजेबल है। इसके सभी ऑप्शन आप करके देखना, नहीं आए फिर समझना। अगला है फोर का, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल। 11, अब की बार 11 से करके दिखाना है अपने को। फोर वाले में पहला क्वेश्चन है, करना है 11 से। पहला क्वेश्चन है 5 4 4 5 5 4 4 5। 11 के लिए पता ही हमें, ओड इवन से करेंगे, ओड इवन से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 - 4 + 5 5 4 9 - 9 9 में से 9 गए तो 0, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो क्या हो जाएगी? 11 से डिवाइजेबल हो जाएगी। तो आंसर यस, आंसर यस। तब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फाइव हमारा, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच। अब के बार क्या बताना है? थ्री से डिवाइजेबल होना चाहिए और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना हमें। ब्लैंक्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में पहला है भाई, थ्री से डिवाइजेबल होना चाहिए, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछ रखे हैं भाई। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछ रखे हैं। तो पहला हमारा ब्लैंक्स दे दिया इसमें 6 7 2 4। फिर तरह की यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट भी आना चाहिए जो थ्री से डिवाइजेबल, और सबसे लार्जेस्ट भी आना चाहिए जो थ्री से डिवाइजेबल हो। अब देखो भाई कंडीशन हमारी वही है, यहाँ पे क्या मानेंगे हम? एक्स मान लेंगे एक बार, तो एक्स प्लस 6 + 7 + 2 + 4। थ्री की कंडीशन तो यही है हमारी, इनका जो सम है वो थ्री का मल्टीपल आना चाहिए। 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6
एक्स प्लस 19, तो स्मॉलेस्ट डिजिट वन लगा के देखेंगे, वन लगाएंगे तो 19 और वन 20 होगा, 20 तो 3 का मल्टीपल नहीं है तो 2 लगा देंगे, 2 प्लस 19 21 3 का मल्टीपल है तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट में तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब लार्जेस्ट में हम देखेंगे एक्स प्लस 19 है, लार्जेस्ट क्या होता है, वन डिजिट का 9 होता है, 19 में 9 ऐड करेंगे तो 28 हो गया, 28 तो 3 का मल्टीपल नहीं है तो अब इससे एक कम करेंगे, हम एक कम कितना करेंगे, 8 कर देंगे, 27 तो मल्टीपल है तो लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा हमारा आंसर 8 आ जाएगा। तो इस प्लेस पे हमारा जब स्मॉलेस्ट तो 2 आ जाएगा और लार्जेस्ट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 का, राइट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट आवर नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, चलो अब और कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 11 से पांचवें भाई की बार, क्वेश्चन नंबर 6 है वो 11 से पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है इसमें 9 2 9 2 ब्लैंक्स 3 8 9 ब्लैंक्स 3 8 9 11 की कंडीशन हमारी ऑड इवन से ही है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे तो ऑड इवन तो ये हो गया 9 + x + 18। इस साइड में क्या हो जाएगा हमारा, बीच में डिफरेंस करना है इनका, 9 + 3 + 2 ये कितना हो गया हमारा 9 और 18 17 + x माइनस का निशान है 9 और 3 12 और 2 14 17 प्लस का है 14 माइनस का है तो 3 बच जाएगा यहाँ पे 3 + x है। अब हमें क्या करना है, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 0 तो डिफरेंस आ ही नहीं सकता क्योंकि एक साइड में ही रहेंगे तो इस 11 का मल्टीपल ही कर लेंगे हम। तो इसमें कितना ऐड करेंगे कि 11 बन जाए, x के स्थान पे 8 लिख देंगे हम, 3 + 8 11 हो, 11 का मल्टीपल हो गया तो x के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8 आंसर आ जाएगा। आशा है वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसका सेकंड पार्ट और देख लो एक बार, 8 है सेकंड पार्ट और देखो फिर आपको क्लियर हो जाएगी अच्छे से। सेकंड पार्ट है 8 ब्लैंक्स 9 4 8 4 एक्स लिख लेंगे यहीं पे, एक्स फिर ऑड इवन 8 + 9 + 8 माइनस में 4 + 4 + x। और देखो भाई 9 और 18 17 17 और 8 25 माइनस 4 + 4 + 8 + x 25 में से 8 कम जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 25 - 8 इस साइड में प्लस में क्या है x इस साइड में तो ये हमारा कितना बच गया 17 बच गया। ये हमारा कितना बच गया 17 माइनस x माइनस था माइनस का x तो 17 में से क्या माइनस करें कि 11 से डिविजिबल हो जाए 17 में से 11 से डिविजिबल हो जाएगा तो कम से कम क्या करना पड़ेगा हमें 6 माइनस करना पड़ेगा तभी तो 11 आएगा। तो हम x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 17 - 6 11 तो क्या है 11 का मल्टीपल है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बस ये ध्यान देना है यहाँ प्लस है या माइनस है। आशा आपको वीडियो समझ में आई होगी। पहले पार्ट 1 देखना उसके बाद पार्ट
टू देखना, और 480 अपनी वीडियो की क्वालिटी करके देखना। हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है, 6 क्वेश्चन है इसके, 6 हमने करवा दिए हैं। थैंक यू।